नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ हरियाणा के हलचल में आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पानीपत से आप लोगों के सामने आया हूँ। दो दिन से पानीपत रिफाइनरी से सिरसा प्रशासन के पास ऑक्सीजन का टैंकर जा रहा था। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस टाइम पर कोरोना की सेकेंड वेव चली हुई है और काफ़ी राज्यों में, साथ ही हमारे हरियाणा के साथ दिल्ली लगता है, ऑक्सीजन की कमी है। मुंबई में ऑक्सीजन की कमी है, काफ़ी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है। उस चीज़ की आपूर्ति के लिए, उस चीज़ को पूरा करने के लिए रिफाइनरी से, पानीपत रिफाइनरी से जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है या होने वाली है, जिन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट दी है, वहाँ पर ऑक्सीजन भेजी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही फरीदाबाद में एक ऑक्सीजन का टैंकर चोरी हो गया था, लापता हो गया था। और दूसरा मामला पानीपत रिफाइनरी से आया है, जो टैंकर है उसके अंदर 10 टन मैट्रिक ऑक्सीजन है और वो दो दिन से लापता है। कल उसके अंदर इस मामले पे FIR दर्ज हुई है, मतलौडा थाने के अंदर, पानीपत के मतलौडा थाने के अंदर FIR दर्ज हुई है। और क्या कहा, सुनिए जो पानीपत हेडक्वार्टर DSP सर हैं सतीश वत्स जी, क्या कहा उन्होंने। सीधी तस्वीरें अखंड भारत की आवाज़ हरियाणा की हलचल से मनीष कुमार। ये कंप्लेंट आई थी हमारे मतलौडा थाने में ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से कि कोई ऑक्सीजन का कैंटर सरसा भेजा गया था, वहाँ पर नहीं पहुँचा, तो FIR हमने दर्ज कर ली, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कब ये FIR हुई? कल FIR करिए। और ये मिसिंग कब से? मिसिंग एक दिन पहले गया था ये। तो इसकी अब जैसे कोई भी व्हीकल है, जैसे टैंकर है, इसमें कुछ GPS वगैरह भी लगा हुआ था कि? वो इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, वो आएंगे जैसे आएगा हम क्लास करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।